नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान पर भरोसा। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकलें। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुँचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह ज़मीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नज़र बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक से दो बार प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था। वह वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी से एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज़ संभव है। बिना प्रयास के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार ज़िंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।